नमस्कार, मैं हमारा यूट्यूब चैनल मुस्कान फिल्म्स और मैं हूं आपके साथ मिस्टर खान। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ख़ास रिपोर्ट लाडनू से निकाल कर। अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी दौर चल रहा है, उसके अंदर लाडनू विधानसभा राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। वहीं पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियाँ अपने दावेदारों का चयन करने के लिए बड़ी ही मुश्किल में पड़ी हुई नज़र आ रही है। भाजपा की टिकट लाडनू के वर्तमान विधायक ठाकुर मनोहर सिंह के नाम उनके खाते में चली गई है। वहीं कांग्रेस के लिए अभी भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि किसको कांग्रेस की टिकट दे, कौन जीता हो उम्मीदवार हो। वहीं कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों की नींद उड़ाने वाला एक तीसरा निर्दलीय उम्मीदवार लाडनू के अंदर ताल ठोक रहा है, तस्लीम आरिफ मुन्ना, जो आपके लिए निर्दलीय चुनाव लाडनू से लड़ रहे हैं। उसके लिए आज लाडनू के अंदर एक छोटी सी सभा का आयोजन हुआ, जिसके अंदर अंबेडकर महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या गौतम ने क्या कुछ कहा तस्लीम आरिफ मुन्ना के लिए, और ऐसी समाज के 55,000 वोटों में से कितने वोट उनको दिलाने का जो दावा किया है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये युवा पीढ़ी को सोचना होगा, जो यहाँ पे कम ये जो आप सैकड़ों युवा यहाँ पे आए हो, तो आपको समझना होगा कि आखिर आपके भविष्य क्या है, आपका भविष्य कैसे बनेगा। एक व्यक्ति के पास 20 लाख की गाड़ी और आपके पास अगर 20,000 की मोटरसाइकिल भी नहीं है, और अगर आपके पास में दो पहिया वाहन भी नहीं है, तो आपका जीवन क्या होने वाला है, क्या आप करके अपने परिवार को खिलाएंगे। लेकिन इस सब का रास्ता आपको मैं बताना चाहूंगी, इन सब का रास्ता अगर कहीं है तो वो देश की व्यवस्था में है, संविधान में है, आपके हक में है, अधिकार में है। इसलिए मैं तस्लीम भाई को चाहूंगी कि यहाँ का बच्चा बच्चा कसम खाए कि अगर तस्लीम भाई जीतते हैं तो ये हमारा मान सम्मान होगा। तस्लीम भाई को हारने का मतलब है मुस्लिम समाज की हार, ये तस्लीम भाई की हार नहीं होगी, ये मुस्लिम समाज की हार होगी। रही बात एससी की, तो मैं आपकी बहन विद्या गौतम आपसे, आपकी बहन हूँ, कसम खा के कहना चाहती हूँ कि यहाँ 55,000 से ज्यादा हमारा एससी का वोट है, एससी एसटी का वोट है, एसटी तो है ही नहीं उतना संख्या में, लेकिन जितना भी हमारा एससी एसटी का यहाँ पे वोट है, मैं आपको गारंटी सुधा कहती हूँ कि 90% वोट आपको मैं दिलाने की कोशिश करूँ। लेकिन आपको होगी कि तस्लीम भाई को विधानसभा में जिता करके भेजने के लिए आपको भी एक सौगंध खानी होगी कि मैं अपने भाई को विधानसभा में जिता के भेजेंगे और लाडनू विधानसभा में एक नया इतिहास अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि जनता की आवाज बननी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र लोगों का तंत्र है। यहाँ पे कुछ माफिया और कुछ ब्यूरोक्रेट्स बैठ करके लोकतंत्र को चलाने की कोशिश करते हैं, तो उस रास्ते को बदलना होगा और एक नया इतिहास रचना होगा। हमें देश से आजादी मिली, अंग्रेज हमें देश को भले ही छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी हम पूरी तरह से आजाद नहीं है। यदि हमारे पास अच्छी दो वक्त की रोटी नहीं है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए साधन नहीं, तो आज भी हम इस देश के अंदर आजाद नहीं है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आपकी बहन होने के नाते, कि एससी एसटी का वोट तो मैं अपने एक एक घर में जाऊंगी, एक धाने में जाऊंगी, और मैं आपको वोट दिलाने का काम करूंगी। किसी के हाथ जोड़ने पड़े, किसी के पैर मारने पड़े, तो मैं जाऊंगी। क्यों? कारण कि बाबा साहब अम्बेडकर को भी अगर संसद में भेजने का काम किसी ने सबसे पहले किया था तो मुस्लिम समाज ने किया था, और मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी हूँ, तो मेरा भी सबसे पहला फर्ज और कर्ज बनता है कि विधानसभा में भाई तस्लीम को भेज करके अपने बाबा साहब अम्बेडकर के उस कर्ज का अदा करने की कोशिश कर सकूं।